अगर सिंपल लुक एंड थिंग्स, ये बिल्कुल थिंग्स जो कि वेलकम टू माई चैनल, आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माई ईयरिंग कलेक्शन। सो ज़्यादा तो नहीं है, बट या मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूँ। सो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह के ईयरिंग्स आपके पास होने चाहिए, किस तरह के ईयरिंग्स एसेंशियल है जो हर एक आउटफिट के साथ चल जाते हैं। सो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो और डिस्क्लेमर ये है कि मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास जो भी है वो बस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो या गाइस, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मेरा फर्स्ट पेयर है ईयरिंग का, वो है ये ईयरिंग, आप देख सकते हो। ये ईयरिंग आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा जो मैंने हरी लालिका 30 मेकअप लुक जो शेयर किया था, मैंने ये ईयरिंग्स में वेयर किए थे। सो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा प्रिटी ईयरिंग है। आप अगर आप इस तरह का कोई सिंपल लुक क्रिएट करते हो एंड उस पर आप अगर इस तरह के हैवी ज्वेलरी पहनते हो तो आपके लुक में 4 चांद लग जाएगी। सो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो जस्ट अ सेकेंड मेरा लुक जो है वो चेंज हो गया, कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड ये लिटिल बिट हैवी है बट उतना भी नहीं है। आप ये इतना हैवी है कि आप इसका वेट सह सकते हो, ये ज़्यादा हैवी नहीं है। तो इस तरह की एक दो हैवी ज्वेलरी तो आपके पास होनी चाहिए ताकि किसी भी शादी फंक्शन में आप इसे वेयर कर सको बहुत ही ज़्यादा ईजली। सो यार, जो मेरा फर्स्ट ईयरिंग था वो ये था। सो जो नेक्स्ट मेरा ईयरिंग का, सो जो नेक्स्ट पेयर है वो है ये ईयरिंग। ये स्टड स्टाइल में है, बस इसके नीचे एक छोटू सा पॉल दिया हुआ है, मोती दिया हुआ है। जो डिज़ाइन है ये मोर के डिज़ाइन में आपको मिल रहा है, दोनों साइड मोर बना हुआ है। सो मैंने जो लास्ट टाइम मेकअप लुक शेयर किया है हरी लालिका 30 का, उसमें जो मैंने नेक पीस पहना हुआ है ये वो उसी का ये पेयर ईयरिंग है, उसी का सेट है ये। एंड ये बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लगता है ये भी। मतलब आप कोई सिंपल लुक चाहते हो, घर का पूजा वूजा है तो इस तरह की ईयरिंग आप पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। एंड ये है मेरा नेक्स्ट पेयर, ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने ये मेकअप लुक में बहुत एक दो बार पहना है एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे आप साड़ी वाड़ी पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देके ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। मीन्स इससे आप वेस्टर्न लुक भी दे सकते हो, इसे आप इंडियन लुक भी दे सकते हो, साड़ी वाड़ी पे पहन के आप इसे क्लासी लुक दे सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई हैवी सा वेस्टर्न वेयर है, वन पीस वगैरह है, तो आप उस पर भी ये पहन सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लुक देता है। मीन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है इसलिए मैं इन सबके लिंक आपको नहीं दे सकती। एंड जो नेक्स्ट है वो है ये छोटू सा ईयरिंग्स। सो ये ऐसे ये है ये छोटू सा ईयरिंग। सो ये तो आप कोई सिंपल कुर्ती वुर्ती पे ये लुक ये ईयरिंग वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है ये ईयरिंग, आप देख सकते हो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही लाइट वेट है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, आप देख सकते हो। एंड ये मेरे पास बहुत टाइम से है, मीन्स इस ये 1 से 1.5 साल हो चुका है इस ईयरिंग्स का, एंड इस ईयरिंग को भी कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी कलर भी जैसी की तैसी है, आप देख सकते हो, मीन्स इस ईयरिंग में भी कुछ भी नहीं हुआ। सो यार, ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इसे भी आप किसी भी सिंपल कुर्ती पे वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो नेक्स्ट ईयरिंग, सो ये है मेरी नेक्स्ट ईयरिंग। तो इसमें जो है मिरर का वर्क दिया हुआ है, ये मिरर का ये जो दिए हुए हैं ये इसमें ये मिरर के वर्क हैं। सो ऑलमोस्ट मेरे पास जो ईयरिंग है वो इस टाइप की ईयरिंग है, ये ऐसे दबा के लगाने वाली ईयरिंग है। मेरे पास वो हुक वाली ईयरिंग नहीं है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो पहनने में अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मोस्टली मैं इस टाइप के ईयरिंग्स ही बाई करती हूँ। सो ये भी बहुत ही प्यारा ईयरिंग है, वाओ,
कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। सो या अगेन इट्स वेरी वेरी, ये भी बहुत अच्छा है अगर आप बिगनर हो, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आप इस तरह के इयररिंग्स आपके पास होने चाहिए, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। आप कॉलेज के फेयरवेल पे सिंपल साड़ी वाड़ी पहन के जा रहे हो तो इस टाइप के इयररिंग अगर आप पहनते हो तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। इसमें से जो मोस्ट ऑफ द इयररिंग्स है वो मैंने लोकल मार्केट से खरीदी है, कि इयररिंग्स मैं बहुत टाइम पहले से खरीदते आ रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है इयररिंग्स खरीदना, बहुत इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत टाइम से खरीदती हूँ। उस टाइम मुझे ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह के बारे में पता नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द इयररिंग्स मैं लोकल मार्केट से ही खरीदा हुआ इयररिंग्स है। तो या जो नेक्स्ट इयररिंग है वो है ये इयररिंग, ये भी आपने मुझे किसी लुक में या किसी वीडियो में पहने हुए देखा होगा। ये बहुत ही प्यारा इयररिंग है गाइस, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो कितना प्यारा लगता है। एंड इस टाइप के इयररिंग्स अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत अच्छे लगते हैं कुर्ती पे, सिंपल लुक पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके लुक को, तो ये भी इयररिंग्स आपके पास होने चाहिए। ये इयररिंग मैंने ऑनलाइन बाई की है, एक्चुअली मैंने नहीं की है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। सो ये 3 सेट का जो इयररिंग, उन्हें ये 3 सेट का इयररिंग मिला था, तीन सेट उन्हें साथ में मिले थे इयररिंग के। सो फर्स्ट वन ये है जो कि और बहुत ही प्यारा है, एंड जो नेक्स्ट है वो एक छोटू सा झुमका है विद द ब्यूटीफुल ये लोटस का डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये इयररिंग। मैंने इसे वेयर किया है बहुत ही बार, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, तो मैंने ये इयररिंग बहुत बार वेयर किया हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है। टीनेजर्स हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, इस टाइप के इयररिंग्स तो आपके पास होने ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इयररिंग्स हैं एंड ये बहुत ही लाइट वेट है। नेक्स्ट है ये इयररिंग। सो ये इयररिंग मुझे थोड़ी कम पसंद है, मतलब मुझे ना के बराबर ही पसंद है, बट फिर भी अच्छा लगता है, कुर्ती वुर्ती पे पहन लो तो ठीक लगता है, बट मुझे ये उतने पसंद नहीं है। सो ये थी मेरी। नेक्स्ट अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये झुमका, ये बहुत ही प्यारा झुमका है, एंड ये झुमका भी मेरे पास बहुत टाइम से है, ये भी लगभग इसका भी 1-1.5 साल होने जा रहा है इस इयररिंग्स का भी, और आप देख सकते हो अभी तक इसके एक भी पर्ल नहीं गिरे हैं, कलर नहीं गया है, बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट है ये हूप इयररिंग्स है ये, एंड ये है स्टार डिज़ाइन में, एंड ये भी बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपके ड्रेसेस के, अगर आप वन पीस ड्रेस पहनते हो, जीन्स पहनते हो, तो ये हूप इयररिंग आपके ड्रेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड अगर आप टीनेजर्स हो, बिगनर्स हो, तो आपके पास इस तरह के हुक तो होने चाहिए। आप किसी भी, अगर आप ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करते हो, तो हुक बहुत ही लाइट वेट भी होता है एंड ईजली आपके लुक को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। सो या हुक होने चाहिए। नेक्स्ट है ये क्यूट सी इयररिंग जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है आपके लुक को। आपने रिसेंटली मैंने एक लुक में ये इयररिंग भी वेयर किए थे, जो मैंने येल्लो मेकअप लुक किया था उसमें मैंने यही वेयर किया था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। सो या जो इयररिंग है वो है ये स्टड, सो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा स्टड है। जब मुझे ये मिला था, एक्चुअली ये मैंने बाई नहीं किया है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरी सिस्टर ने मुझे ये गिफ्ट में दिया था। सो जब ये मुझे मिला था तब मुझे ये उतना पसंद नहीं था, मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था मीन्स कहते ना वो देहाती जैसा, तो मुझे ये वैसा लगता था, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बट जब मैंने इसे साड़ी के साथ, सूट के साथ मैंने वेयर किया इसे 1-2 बार, देन आई रियलाइज कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग इयररिंग है, आप बहुत ही अच्छा इयररिंग है ये गाइस। सो या इयररिंग मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। सो या मैंने ये इयररिंग्स वेयर कर दिया है क्योंकि मेरे इस लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, वो ये है। एंड ये इयररिंग भी मुझे उतना पसंद नहीं है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाई किया है। एक्चुअली मेरी क्या, मैं ऑनलाइन कोई भी इयररिंग बाई करती हूँ ना तो मेरा लक सही नहीं रहता, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही उसमें मिलते हैं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना इयररिंग्स के मामले में थोड़ा कम पसंद करती हूँ। तो
तो ये भी उतना अच्छा नहीं है, आप देख सकते हो उसकी क्वालिटी भी उतनी सही नहीं है। ये देख सकते हो यहाँ से टूटा हुआ, ये देख सकते हो यहाँ से टूटा हुआ है एंड इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट अब ले लिया तो ले लिया, क्या कर सकते हैं। सो देन जो मेरे पास इयरिंग है वो है ये, बहुत ही वेस्टर्न टाइप की इयरिंग है ये, आप देख सकते हो। सो ये भी मेरे पास बहुत पहले से है, मीन्स इसकी 3.5 साल होने जा रहे हैं इस इयरिंग्स के, ये तब से मेरे पास है। एंड ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा और लंबा था, यहाँ से एक और एक पेंडेंट टाइप यहाँ पे निकला हुआ था, बट मैंने वो हटा दिया क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। और मैंने जब ये इयरिंग्स लिया था तब मैं छोटी थी, मीन्स मेरी उतनी एज नहीं थी कि मैं उतने लंबे लंबे इयरिंग्स पहनूं, और उस टाइम उतना सही भी नहीं लगता था। लोग बोलते थे, आप अगर स्कूल वगैरह जाते हो, कॉलेज वगैरह जाते हो, तो लोग आपको बोल देते हैं, टोक देते हैं कि यार इतनी बड़ी इयरिंग्स पहनी है। तो मैंने वो निकाल दिया था, जिससे ये इसकी साइज इतनी हो गई थी, थोड़ी कम हो गई थी, जिससे जो कि सही लगती थी, इतनी तो चलती है यार, तो इसलिए। एंड उसे मैंने एक और इयरिंग्स बना लिया था उससे, उसको निकाल के। तो इयरिंग्स के मामले में मैं थोड़ा जुगाड़ू भी थी, मैं बहुत जुगाड़ कर लेती थी, अगर कुछ टूट भी जाता था तो मैं उसे ठीक कर देती थी, बट मैं इयरिंग्स फेंकती नहीं थी। बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव थी अपनी इयरिंग्स, हूँ एक्चुअली इयरिंग्स के मामले में। तो या तो ये भी बहुत टाइम से मेरे पास, इसे आप किसी भी जीन्स वीन्स के साथ, टी शर्ट के साथ पहन सकते हो, अच्छा लगता है। नेक्स्ट इयरिंग है वो है ये इयरिंग, एंड ये भी मैंने मंगाया है, ऑनलाइन ही मंगाया है। एंड आप देख सकते हो इसके मामले में मेरी लक बहुत ख़राब है। ये इयरिंग बहुत प्यारा है, इसकी स्टाइल बहुत प्यारी है, बहुत पहनने के बाद भी इयरिंग बहुत प्यारा लगता है, आप देख सकते हो। बट मेरी लक इसमें भी बहुत ख़राब निकली, आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है। तो या इयरिंग के मामले में ऑनलाइन मेरा लक बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। बट फिर भी ये इयरिंग मुझे पसंद था, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने इसे बहुत बार वेयर किया है, बहुत बार वेयर किया है। सो या ये तो नेक्स्ट इयरिंग है वो है एक स्टड, आप देख सकते हो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। एंड ये इयरिंग भी मैंने 2-3 बार वेयर किया है अपने वीडियो में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली ये नेक पीस के साथ आता है, तो इसकी नेक पीस भी है, बट ये इयरिंग कलेक्शन वीडियो है, तो इसमें मैं सिर्फ आपको इयरिंग शो कर रही हूँ। तो ये इयरिंग एंड इस तरह के इयरिंग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, आप सिंपल सूट पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो एंड बहुत ही सिंपल लुक चाहते हो, तो इस तरह के स्टड आप वेयर कर लो एंड यू गुड टू गो। जो मेरी नेक्स्ट इयरिंग है वो है ये इयरिंग, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी इयरिंग्स है, एंड ये वन ऑफ द माई फेवरेट इयरिंग्स में से है, मुझे बहुत पसंद है ये इयरिंग्स। डिज़ाइन है ये इतना ज़्यादा अमेजिंग है, इतना ज़्यादा प्यारा है, ये जयपुर में जो वो हवा महल है ना, ये बिल्कुल उसके जैसा लगता है। एक्चुअली इसके साथ भी कांड हो गया था, इसका जो ये वाला झुमका है ना, एक झुमका यहाँ पे भी था, सो इसमें 3 झुमके थे, बट वो कहीं पे पता नहीं कब कहीं पे ना गिर गया, सो कहीं पे गिर गया एंड मुझे पता नहीं, वो शायद पहने हुए में ही कहीं गिर गया था एंड मुझे पता नहीं चला। जब मैंने बाद में देखा कि इसका ये वाला झुमका तो गिरा हुआ है, सो मैंने बहुत दिन तक मैं ढूंढी घर भर में, बट मुझे कहीं नहीं मिला, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैंने मेरा ये फेवरेट इयरिंग था, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये इयरिंग, सो नहीं मिला। तो लास्ट में मैंने इसे रख दिया, मैंने फेंका नहीं, मैंने इसे रख दिया कि कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद, सो एक इयरिंग्स में ये वाला झुमका था, तो उसके मैंने जो ये ब्लैक वाले पर्ल आपको दिख रहा है ना, मैंने वो निकाल लिए एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया, सो देख रहे हो यहाँ पे मैंने लगा दिया। सो ये बहुत ज़्यादा प्यारा बन गया, पहनने लायक तो हो गया, बिल्कुल लगता नहीं है कि इसमें यहाँ कोई झुमके थे, सो अच्छा लगता है, आप देख सकते हो प्यारा लगता है। ये इयरिंग्स आप देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, प्यारी है, आप इसे लहंगे पे, साड़ी पे ट्राई कर सकते हो। एंड इसके साथ मुझे ये मांग टीका भी मिला था, सेम देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है, वाओ प्यारा लग रहा है ना। सो या ये है, एंड इस तरह के इयरिंग्स आजकल बहुत चले हुए हैं, इयरिंग्स एंड जो आता है मांग टीका का सेट बहुत चला हुआ है, अच्छा लगता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है, अच्छा लगता है। सो इस तरह की इयरिंग्स आप बाई कर सकते हो,
एंड जो मेरा नेक्स्ट ईयरिंग है वो है ये ईयरिंग। सो एक टाइम पे ये ईयरिंग बहुत चला था, बहुत लोग पहनते थे एंड इनफैक्ट अभी भी ये ईयरिंग लोग उतने ही चाव से पहनते हैं जितना उस टाइम पहनते थे। एंड मैंने भी ये बहुत पहले ही ईयरिंग्स ली थी, बहुत ही प्यारा ईयरिंग है। आप इसे ईयरिंग की तरह पहन सकते हो, आप इसे मांग टीका की तरह पहन सकते हो, जब नवरात्रि वगैरह आता है ना तब आप इसे मांग टीका की तरह वेयर कर सकते हो एंड देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट ईयरिंग है वो है ये ईयरिंग, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। मुझे ईयरिंग बहुत पसंद था एंड ये मेरी अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ईयरिंग है, क्योंकि मेरे जितने भी ईयरिंग्स हैं ना वो सारे 200 के अंदर हैं या तो 200 के हैं, उससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं है। बट ये वाली जो मेरी ईयरिंग्स है ये 500 की है। या गाइस ये ईयरिंग मेरी 500 की है। एक्चुअली करवा चौथ पे ये ईयरिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। जब हम लोग करवा चौथ की शॉपिंग करने गए थे तो ये ईयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट हम लोगों ने थोड़ा कम वम करवाया बार्गेनिंग की, बट भैया ने कम नहीं किया तो हमने छोड़ दिया। मैंने ही बोला कि छोड़ दो, रहने दो, नहीं लेंगे। तो बट मुझे बहुत पसंद था एंड वो ना जो चीज़ आपको पसंद होती है वो आपके चेहरे पे दिख जाती है कि आपको कितना ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हस्बैंड ने देख लिया था, सो रात में उन्होंने मुझे ये ला के गिफ्ट किया था। सच ए स्वीट हस्बैंड, या सो ये भी बहुत प्यारा है। थोड़ा हैवी है बट आई विल मैनेज, मैं मैनेज कर लूँगी क्योंकि मुझे पसंद है ये ईयरिंग बहुत। आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लीमेंट करता है ये आपके लुक को। ओ माई गॉड, जस्ट अ सेकेंड आपके लुक को ये चेंज कर देता है। सो जो नेक्स्ट ईयरिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये मीनाकारी ईयरिंग। एंड ये बहुत ही प्यारा ईयरिंग है एंड यह टीनेजर्स एंड अच्छा है ये ईयरिंग, फिर प्यारा है। ये मेरी लास्ट ईयरिंग्स आप देख सकते हो एंड ये मेरी तीज की ईयरिंग्स है। ये मैंने तीज के लिए ख़रीदा है, तीज पे पहनने के लिए। सो मेरी जो वो जो नेक पीस मैंने ख़रीदा था वो भी मैंने तीज के लिए ही ख़रीदा है। मैं तीज के दिन वो से वेयर करूँगी। बट उसके साथ जो ईयरिंग आया था वो बहुत ही छोटा है, जो मैंने आपको दिखाया है वो बहुत ही छोटा है। सो मुझे कुछ बड़ा चाहिए था एंड उसके साथ सेट करने के लिए भी चाहिए था जो कि उसके उसमें अच्छे से मैच कर जाए। सो मैंने ये वाला ईयरिंग पसंद किया एंड मुझे अच्छा लग रहा था ना। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड इसके जो ये पर्ल है ना ये इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। वाव, तो मैं आपको दिखा रही हूँ वोडला। सो यह ईयरिंग था लेकिन मैंने ये अपने तीज के लिए वोडला भी लिया था, तो मैं आपको ये सोचा मैं दिखा देती हूँ। तो ये है वोडला एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। सो मेरे पास एक और था बट वो थोड़ा बड़ा है, सो मुझे वो उतना सही नहीं लगता, तो मुझे एक छोटा चाहिए था तो मैंने ये वाला लिया है। सो मैं आपको ये वेयर करके दिखाती हूँ। तो आपको ये मेरा वोडला कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया एंड इसके लिए थोड़े एक्साइटेड भी हूँ। देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो यार गाइस दैट्स ऑल, ये थे मेरे ईयरिंग कलेक्शन एंड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड इस तरह के और वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।